नगमा बंदर, तहरीर बाय शाहसेब अहमद। गुनगुनाते हुए बूढ़ा बंदर टोकरी में फल लिए घर की तरफ वापस जा रहा था कि रास्ते में उसे निकम्मा बंदर मिल गया। वाह भाई वाह, अच्छे अच्छे खुशबू वाले ताजा ताजा फल जमा किए हुए हैं आपने। ये तो बाहर से ही इतने अच्छे मालूम हो रहे हैं, अंदर से इनका जायका बहुत ही शानदार होगा। निकम्मे बंदर ने फलों की टोकरी ललचाई नजरों से देखते हुए कहा, अरे भाई, बारिशों के बाद तो जंगल में हर तरफ फल फ्रूट ताजा ही हैं। सारे जानवर आजकल उन्हें खा रहे हैं और जान बना रहे हैं, लेकिन तुम्हें इतनी हैरत क्यों हो रही है और तुम इतने कमजोर क्यों हो रहे हो? बूढ़े बंदर ने कहा। तुम्हारे सवाल का जवाब इसमें है। निकम्मे बंदर ने अपनी टोकरी से पत्ते हटाते हुए कहा, अरे ये क्या, तुम्हारे पास सारे फल खराब और सड़े हुए हैं, इनमें कोई भी ताजा नहीं है, इसकी क्या वजह है? बूढ़े बंदर ने हैरत से सवाल किया। निकम्मे बंदर ने जवाब देते हुए कहा, दरअसल मैंने दरख्तों पर चढ़ना छोड़ दिया है, ऊपर चढ़ के मैं खुद को तकलीफ में नहीं डालता। फिर तुम ये सब कहां से जमा करते हो? बूढ़े बंदर ने पूछा। निकम्मे बंदर ने कहा, दूसरे जानवरों से तो गिर जाते हैं या जिन्हें वो आधा खाकर छोड़ देते हैं, मैं उन्हें उठा लेता हूँ या किसी से मांग कर रख लेता हूँ, इस तरह मेरा काम हो जाता है। अच्छा, तो तुमने मेहनत करना छोड़ दी है और भिखारी बन गए हो, जो खराब और दूसरों के बचे कुचे और फेंके हुए फल खा रहे हो। बूढ़े बंदर ने अफसोस से कहा। मेरे भाई, दरअसल मुझसे मेहनत नहीं होती, आप चाहे इसे जो नाम दो। निकम्मे बंदर ने काहिली बताने के बाद फल मांगते हुए कहा, आपकी टोकरी तो ताजा फलों से भरी हुई है, मुझे कुछ ताजा फल दे जाओ ताकि आज मैं इनको खा सकूं, ये मुझ पर आपका बड़ा एहसान होगा। अगर आज मैं तुम्हें मांगने पर दे दूं तो मेरा ये एहसान नहीं बल्कि जुल्म होगा और तुम्हारे मांगने की आदत पक्की हो जाएगी और मेहनत से तुम्हें मौत आने लगेगी। तुम्हें चाहिए मेहनत करो और दूसरों से मांगना छोड़ दो। ये कहते हुए बूढ़े बंदर ने अपनी टोकरी उठाई और बगैर कुछ दिए वहां से चला गया। प्यारे बच्चों, दूसरों से मांगना और सवाल करने की आदत बुरी है, इसकी वजह से इंसान सुस्त और कामचोर बन जाता है। हमें चाहिए कि बूढ़े बंदर की तरह ऐसे लोगों की बात ना मानकर मांगने की बुरी आदत से जान छुड़ाने में इनकी मदद करें। चलाक लोमड़ी, तहरीर बाय सुमेरा मकसूद। एक मर्तबा का जिक्र है कि किसी जंगल में एक शेर और एक लोमड़ी रहा करते थे। जंगल के तमाम जानवर इनसे बहुत परेशान थे क्योंकि वो दोनों ही चोरियां किया करते थे। एक दिन दोनों ने एक घर में चोरी करने का फैसला किया जो कि एक बंदर का घर था। वो दोनों सीधे बावर्चे खाने में पहुँचे। वहाँ उन्होंने लकड़ियों पर रखा हुआ एक पतीला देखा जिसमें सूप पक रहा था। इन दोनों ने सोचा कि मौका अच्छा है, घर पर भी कोई नहीं है। पहले तो शेर ने अच्छी तरह से खूब सूप पिया। जब उसका पेट भर गया तो लोमड़ी बोली कि मैं इसे ख़त्म कर देती हूँ। ये कहते हुए उसने जैसे ही अपना मुँह पतीले में डाला उसका सर पतीले में फंस गया। इसने शेर से कहा, मेरी मदद करो, मुझे यहाँ से निकालो। अंधेरे में शेर को कुछ समझ ना आया और वो बखलाहट का शिकार हो गया। ऐसे में उसे महसूस हुआ जैसे कोई घर में आ गया है, लिहाजा वो तो अपनी जान बचाने को वहाँ से भाग निकला। जब बंदर अपने घर पर पहुँचा तो उसने बावर्ची खाने में लोमड़ी को इस हालत में पाया। वो समझ गया
कि लोमड़ी यहाँ चोरी करने आई थी। वो लोमड़ी को लेकर भालू के पास गया और उसको सब कुछ बता दिया। भालू के दिमाग में एक तरकीब आई। उसने कहा, इसे यहाँ बांध कर चले जाओ। ये सब कुछ शेर छुप छुप कर देख रहा था। उनके जाते ही लोमड़ी ने शेर को आवाज़ दी। चालाक लोमड़ी को शेर पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने सोचा, यही अच्छा मौका है शेर से बदला लेने का। इसके दिमाग में भी एक तरकीब आई। उसने शेर से कहा, भालू और बंदर मुझे सजा नहीं देंगे, इसलिए कि मैंने उन्हें बता दिया है कि मैं यहाँ चोरी करने नहीं आई थी, बल्कि यहाँ एक और चोर को पकड़ने के लिए आई थी, लेकिन वो भाग गया और मैं पकड़ी गई। बंदर और भालू ने मेरे सच बोलने पर ये कहा कि वो मुझे इनाम में एक हिरन देंगे। ये सुनकर शेर के मुंह में पानी आ गया। इसने सोचा, क्यों ना हिरन वो ले ले। इसने लोमड़ी से कहा, हिरन तो मेरी पसंदीदा खुराक है, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम वो हिरन मुझे दे दो। इस पर लोमड़ी ने शेर से कहा, अगर तुम्हें हिरन चाहिए तो फिर मेरी जगह आकर बैठ जाओ, वो दोनों हिरन लेकर आने ही वाले हैं। शेर लोमड़ी की बातों में आ गया। इसने लोमड़ी की रस्सियां खोल दी और बोला, तुम यहाँ से भाग जाओ, मैं यहाँ बैठ जाता हूँ। शेर को लालच देकर चालाक लोमड़ी वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग निकली। जब बंदर और भालू वापस आ गए तो उन्होंने शेर को लोमड़ी समझकर इस पर खूब गर्म पानी डाला और यूं जंगल के बादशाह को लालच में आकर लोमड़ी की चालाकी की सजा भुगतनी पड़ी और वो बुरी तरह जलने लगा। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमने क्या सीखा कि हमें कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए और ना ही लालच में आकर दूसरों की बातों पर यकीन करना चाहिए। प्यारे बच्चों, 40 दिन का बादशाह। पुराने जमाने की बात है कि मुल्क फ्रांस पर एक बादशाह हुकूमत करता था। वो बहुत परेशान रहा करता था क्योंकि मुल्क में चोरी और डकैती आम थी। बावजूद कोशिश के भी वो इस पर काबू नहीं पा रहा था। एक दिन बादशाह परेशानी में महल से निकलकर जंगल की तरफ चल पड़ा। इसने देखा, एक लकड़हारा बहुत मेहनत से लकड़ियाँ काट रहा है। लकड़हारा बादशाह को देखकर उसके पास आया और कहने लगा, बादशाह सलामत, आप किसी शाही सवारी में नहीं आए? बादशाह ने अपनी परेशानी की वजह बताई तो उसने कहा, अगर आप इजाज़त दें तो मैं कुछ अर्ज करूं। बादशाह ने सर हिलाया तो वो बोला, आप मुझे कुछ दिन मुल्क पर हुक्मरानी की इजाज़त दें, मुझे उम्मीद है कि ये बुराई ख़त्म हो जाएगी। बादशाह ने उसे बाखुशी इजाज़त दे दी। लकड़हारा बादशाह बन गया था। इसने फौरन हुक्म जारी किया, अगर मुल्क में किसी भी तरह की चोरी हो जाए तो फौरन चोर का सर कलम कर दिया जाएगा और जो सिफारिश लेकर आएगा उसको भी फांसी दे दी जाएगी। लोगों ने इस हुक्म पर तवज्जा ना दी और अगले दिन किसी के घर से जेवरात चोरी हो गए। बादशाह ने हुक्म दिया, चोर को फौरन पकड़ कर लाया जाए और सिपाहियों से कहा कि अगर चोर पकड़ने में नाकाम हुए तो इनकी जगह तुम्हें फांसी दे दी जाएगी। कुछ रोज़ गुजरने के बाद सिपाही चोर पकड़ने में कामयाब हो गए। उन्हें जेल में बंद कर दिया गया। लोग अब डर के मारे सिफारिश ना करें वो बादशाह के बाप के पास गए और उनसे गुजारिश की वो बादशाह से माफ़ी दिलवा लें। वो इनके साथ जाने पर राज़ी हो गए। बादशाह ने जब सिफारशी के तौर पर अपने बाप को देखा तो सिपाही को हुक्म दिया, इनको जेल में बंद कर दें। फिर उसूल के तौर पर जो हुक्म जारी किया गया था उसकी तकमील कर दी गई। चोरों के सर कलम कर दिए गए और जो सिफारिश लेकर आया था उसको फांसी दे दी गई। इस सूरत हाल ने सब लोगों को खौफजदा कर दिया। अब कोई रास्ते में भी पड़ी हुई चीज़ भी देखता तो उसको उठाने की हिम्मत ना करता। आहिस्ता आहिस्ता मुल्क से चोरियाँ होना ही बंद हो गईं। 40 रोज़ बाद बादशाह लकड़हारे ने पहले बादशाह को बुलाया और सल्तनत का निज़ाम उसके हवाले कर दिया।
बादशाह इसकी हुक्मरानी और असूल परस्ती से इतना खुश हुआ कि उसे अपना वजीर मुकर्रर कर दिया। प्यारे बच्चों, किसी भी सल्तनत या हुकूमत का इंतज़ाम चलाने का जिम्मेदार हुक्मरान होता है। अगर वह अपने असूलों और कवानीन को मद्देनजर रख कर काम करे तो हर बुराई को ख़त्म कर सकता है। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आज की कहानी आप सबको बेहद पसंद आई होगी। हमारे साथ जुड़े रहने का शुक्रिया। मिलते हैं अब एक नई कहानी के साथ।